डाल दी बूंदी से और वो लाइव भी चालू कर दिया और सर्कल लाइव चल रहा है ना लोकसभा देखा है ना। हैंड्स अप क्लैप गो पड़ जाएगा मुंगी को चढ़ाने नहीं इधर से नदी इधर से पास इधर से ढाई किलोमीटर मुंगी का विकास हो उम्र साठ तो कम से कम खोल दो बिल्डिंग बनेगी जो बन जाएगी सब लड़के हैं हमारे इनके बल से जाने के बंद कर जाएंगे सब हमारा ध्यान रखो। केंद्रीय विद्यालय बूंदी आपका स्वागत करता है श्रीमान कलर पार्टी पीछे वोट अड़ जा चलो 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 थोड़ा जल्दी चलना है आप इसको जो भेज देने वाले को बनाया तो कितना खर्चा है बैडमिंटन बास्केटबॉल से 20-25 लाख और का एस्टीमेट ले लो एक बैडमिंटन का एस्टीमेट ले लो बास्केटबॉल इसमें टेंडर में कुछ बचत निकलेगी ठीक है भवं भवानी सहितं नमामि मन्त्रभिजन्तरी वास्तानि धर्माणि पदमान्यासं नदीयनाकमहिमानसगन्तगतगुरु सरुक्यराटिगन्धादिभि सम्पूज्य पञ्चलोकपाल देवता कारिगजी विश्वता चक्षुरुद विश्वतमुखो भद्रते ध्यावा भूमि जन्नार्दिः
ठीक है साकार किया जाता है। करे पार्टी थाम बढ़िया भूमि पूजन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। कलर पार्टी पीछे मुड़ेंगे पीछे वोट अध्यक्ष कहकर बार बार संबोधित करते हैं ऐसे व्यक्तित्व और वो लोकसभा के अध्यक्ष हम एक विद्वान नागरिक तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद लाजमी है बेहद जरूरी है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शिक्षा का खूबसूरत वातावरण हो। काम किया है हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन साफ स्पीकर महोदय का ये सतरंगी साफा हमारी विभिन्न जाति धर्म रंग भेद के प्रधान साहब से भी आग्रह स्वागत करने का अनुरोध स्वागत अपनत्व और आत्मीयता से भरा स्वागत श्रीमान बीएल मरोड़िया जी जो की उपायुक्त जिला कलेक्टर महोदय जो की केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन निर्माण किया जा रहा है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होंगी श्रीमती तेज कंवर जी से हमारा अनुरोध है हमारे बिरला साहब कार्यक्रम में उपस्थित बूंदी के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी एसपी साहब श्री यादव साहब हमारी तालना पंचायत समिति के प्रधान साहब सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संसद साहब मरोड़िया यहाँ के प्रचार मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित
बूंदी के गढ़ बने नागरिक भाई बहनों और बालक और बालिकाओं का बहुत हर्ष का विषय है कि एक लंबे इंतजार के बाद हमारे सांसद मोदी के अथक प्रयासों से, क्योंकि 2015 में सेंट्रल स्कूल खुला था, आज माननीय बिरला साहब के प्रयासों से इतना बड़ा अमाउंट पैसा सेंक्शन हुआ और 15 महीने में जैसा कि अभी चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे बन के तैयार हो जाएगा। पहली क्लास से 12th क्लास तक दो दो सेक्शन सब में होंगे। अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे यहाँ आ जाएंगे के लिए और बूंदी का भविष्य उज्जवल होगा। बिरला बूंदी के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं कि किसी ना किसी तरह बूंदी में जो भी जो संभव नहीं वो भी संभव करके दिखाए। पिछले दिनों इन्होंने करीब 22 करोड़ रुपए खेल संकुल में सेंक्शन करा के जिसका काम भी जोरों शोरों से कर रहा है, बूंदी के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। बेरोजगारों के लिए पिछले दिनों इन्होंने एक रोजगार मेला लगा करके कई हजार बच्चों को रोजगार दिलाया। उसके अलावा हेरिटेज लाइट्स के लिए 5 करोड़ रुपए इन्होंने सेंक्शन कराया है। लाइट एंड साउंड शो के लिए भी भाई साहब का प्रयास है और भी गांव में इतना काम कराया इन्होंने, इतनी सेंक्शनें कराई दिनों में माटा योजना में इतना काम जो कभी संभव नहीं था माननीय होम जी भाई साहब के प्रयासों से हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी बूंदी में और विकास इनके द्वारा खूब करवाया जाता रहेगा। मैं इस आज का जो कार्यक्रम है जिसके लिए इन्होंने पदक प्रयास करके भारत सरकार से बिल्डिंग की सेंक्शन कराई है, मैं पूरी बूंदी की जनता की तरफ से माननीय हमारे सांसद महोदयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस शिलान्यास समारोह में बूंदी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, इस जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर गोविंदर जी, केंद्रीय विद्यालय संघ के उपायुक्त CBL मरोड़िया जी, CWC के चीफ इंजीनियर जयपुर से जो आए हैं श्री बंसल जी, आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी देश के अंदर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा की नई नीति और उस नीति के साथ साथ शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, शिक्षा उत्पादक पूर्वक हो, शिक्षा साथ आपको व्यावसायिक शिक्षा मिले, स्किल मिले, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक विजन के साथ इस देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी समय समय पर विद्यार्थियों के बीच जाना, उनके साथ चर्चा करना और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास आए, वो चाहे परीक्षा का सवाल हो, चाहे उसकी जीवन के परिवर्तन का सवाल हो। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी हो, एक ऐसी इनोवेशन रिसर्च करने वाली पीढ़ी हो कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान हमारी आने वाली पीढ़ी दे सके। और ये शहर शिक्षा से नहीं, दूर दराज के गांव में अभाव में रहने वाला किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए। कोई समय था जब हमारे एक दीक्षित पीढ़ी बनानी पड़ेगी, हमें स्किल नौजवान की पीढ़ी बनानी पड़ेगी ताकि गांव में बैठकर भी वह देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है
कि गांव के अंदर अगर छोटा स्कूल भी है तो उस स्कूल में मौलिक सुविधाएं जो एक बड़े विद्यालय में मौलिक सुविधाएं गांव में मिले। और इसलिए आने वाला 5 साल हमारे इसी प्रयास से गुजरेगा और मेरा विश्वास इन 5 साल के अंदर इस कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का हर स्कूल देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कनेक्टिविटी के माध्यम से उसी को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कि वह गांव में बैठकर भी देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके उस सपने को हम पूरा कर सकते। और इसी के एक कड़ी है संगठन जो देश के अंदर अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करता है जहां पर पढ़ने वाला बच्चा देश और प्रदेश का नेतृत्व करता है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय उसमें आप अध्ययन की गुणवत्ता को देखें बच्चों के सर्वांगीण विकास की गुणवत्ता को देखें और उनके स्किल के बाद आने वाले समय स्कूल के अंदर रिसर्च सेंटर होंगे साइंस लैब होगी। और ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के अंदर बच्चा पढ़ने के साथ साथ वह इनोवेशन रिसर्च करने की क्षमता उसमें प्रारंभिक जीवन में डेवलप हो जाए। और ये विद्यालय उसी दिशा की ओर है जहां पर अभी 500 विद्यालय का एक किराए के भवन पर विद्यालय चलता है। 2015 के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पोता विद्यालय लगा। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि नया भवन बनना चाहिए और कई बार जमीनों के कई बार उलझन के जिला कलेक्टर महोदय से भी हमारे जमीन अच्छी जिसकी जमीन आती है उस जमीन बरसों से उसकी रहती थी लेकिन जो भी था वो समाधान हुआ।